बोलते हैं कि प्रधानमंत्री की जो कुर्सी है वो उत्तर प्रदेश होकर आती है, और 37 और 38 सपा और बसपा का जो गठबंधन हुआ है, इसमें से आपको जो बसपा से हैं आप, तो कितना लगता है कि दोनों के कुल मिला के सीटें कितने विजय घोषित हो पाएंगे, कितने परसेंटेज पे? मुझे तो लगता है कि लगभग 70 से 75 के बीच में सीट आ रही है, कोई नहीं रोक पाएगा जी। और यदि 75 वहाँ से आती हैं जी, तो प्रधानमंत्री फिर निश्चित है कि बोलो ना कि उत्तर प्रदेश के आधार पर मुलायम बनेगा जी। और हर आदमी की चाहत है कि देश के अंदर यदि मोदी को कोई मुकाबला आज के तारीख में कर सकता है जी। जो साफ सुथरी छवि का यदि कोई नेता देश के अंदर है जी, तो वो बहन कुमारी मायावती जी हैं। तो निश्चित रूप से इस बार बहन कुमारी मायावती देश के प्रधानमंत्री बनी, कोई माई कलर नहीं रोक पाएगा। सिंह साहब एक बात बताइए, पहले SC ST के पिटने की बातें आती थी, लेकिन अभी भरी सभा के अंदर उन समण समाज के नेता ने OBC समाज के नेता को भरी सभा में जूतों से पीटा है, तो उसके बारे में क्या बोलेंगे आप? अभी मैंने आप लोगों ने टीवी में देखा होगा जी कि, और कांशीराम साहब एक बात बोलते थे कि जिसका स्वाभिमान मरा है जी वही गुलाम है, जिनका स्वाभिमान जिंदा है उस स्वाभिमान की लड़ाई, ये कोई एक कुर्सी की लड़ाई नहीं है जी। यदि कोई मतलब किसी को जूता मार रहा है जी, तो जूते खाने वालों को भी ये सोचना पड़ेगा जी कि यदि हमारा इतना अपमान तो फिर कुर्सी की बात की जी। और उसका उदाहरण बहन कुमारी मायावती ने उत्तर प्रदेश के अंदर जब सहारनपुर का कांड हुआ जी, तो अपनी सबसे बड़ी कुर्सी छोड़कर साबित करने का काम किया कि यदि लानत है ऐसी कुर्सी पर जी, यदि मैं अपने सवाल की समाज की आवाज़ नहीं उठा पाऊंगी और यदि मुझे नहीं लोग बोलने देंगे, तो मैं तब तक इस कुर्सी पर नहीं बैठूंगी तब तक लोग जो आज मुझे रोकना चाहते हैं तब तक मैं उनको कुर्सी नीचे नहीं उतार दूंगा। तो इतना बड़ा संकल्प लेकर उन्होंने कुर्सी को छोड़ा, तो मैं तो ऐसे लोगों को आह्वान करता हूँ कि भाई कुर्सी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है जी। पूरे समाज की और कौम की मतलब ना, और अपनी मतलब जो प्रतिष्ठा है जो स्वाभिमान है उसको हमेशा जिंदा रखना चाहिए और उसकी लड़ाई हमें लड़ना चाहिए। मेरा कहना यह है कि यदि मतलब ना OBC के लोग आज मतलब योगी की सरकार में जितने थे उनको रिजाइन कर देना चाहिए था, तो इनको जूता मारने को भी वालों को हो जाता और सरकार चलाने वालों को भी हो जाता, तो इससे बड़ी बात मतलब ना इससे शर्मनाक कोई बात नहीं हो सकती कि एक मतलब प्रतिनिधि को आदमी जिसको जनता ने जिता के भेजा है उसको सरेआम जूता मारा जा रहा है जी। तो इससे बड़ी नालायकी और मतलब क्या होगी जी। तो इसलिए मेरा तो कहना है कि ऐसे लोगों को तुरंत मतलब ना इस्तीफा देना चाहिए और सारे लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर आकर इनको सबक देना चाहिए जी। तो ये काम होना चाहिए।